नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, देश भर में कई राज्यों में भारी बारिश के बाद किसानों के लिए मौसम बहुत ही खराब है, लेकिन आम लोगों के लिए मौसम खुशनुमा बना हुआ है। साथियों, कुछ राज्यों में ऐसे भी हैं जहां बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। मध्य प्रदेश के 20 से ज़्यादा जिलों में जोरदार बारिश के बाद राज्य में हालात बेकाबू हो गए हैं। वहीं गुजरात की मैं बात करूं तो गुजरात के मौसम विभाग ने कहा है कि 18 सितंबर से बारिश का जो रेड अलर्ट शुरू हुआ है वो 19 सितंबर 22 सितंबर तक जारी रहेगा, जिसके चलते लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दे दी गई है। साथियों, आपको बता दूं, लगातार सही अपडेट आपको दे रहा हूं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में सोमवार के दिन भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। साथ ही साथ कई अन्य राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन तमाम राज्यों के अंदर तेज बारिश होने वाली है, जो कि मौसम विभाग ने सभी को सचेत रहने को कहा है। किसानों को साफ तौर पर कहा है कि वो अपनी फसल का ध्यान खुद रखें, क्योंकि बारिश पर कंट्रोल और बारिश को लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ये बारिश और भी बढ़ने वाली है और आने वाले 10 दिनों तक ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि ये जाता हुआ मानसून है जो कि फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं बात करूं मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय के पूर्वोत्तर राज्यों की, तो 21 सितंबर तक भारी बारिश की वहीं भी अनुमान लगाया गया है।